इस पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं मतलब इतना सारा आप चाहें तो 100-200 कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप प्रूफ देख लो, मैंने 4000 घंटे कंप्लीट इसी तरीके से किया है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 4478 घंटा कंप्लीट हो गया है। तो आपको जेन्युइन तरीके से सही तरीके से अपने वॉच टाइम को बढ़ाना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका डिक्रीज वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका नेट स्पीड है तो 2-3 घंटे में ही हो जाएगा। अगर आपका नेट स्लो है तो 1 दिन लग सकते हैं। अगर आपका और ज़्यादा नेट स्लो है तो हो सकता है 2 दिन लग जाए। लेकिन अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इसी तरीके से आप आसान तरीके से बिल्कुल अपना वॉच टाइम कंप्लीट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे खुद बढ़ाया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। प्रूफ पहले आप देख लो, उसके बाद यकीन करना। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप 2-3 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो बढ़ाया आपको दिखा दिया फ्रेंड, देख सकते 4400 घंटा वॉच टाइम हो चुका है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बीच में से कट करके नहीं जाना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं बैक फ्रेंड। बैक आने के बाद में यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे चले जाना है। यहाँ पे आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे। बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, ये मतलब सही है, आपका जो है वॉच टाइम डिक्रीज नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट चाहो कि मतलब किसी भी तरीके से वॉच टाइम बढ़वा लो तो आपका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब वॉच टाइम पहले तो बढ़ेगा, वहाँ पे दिखाएगा कि आपका वॉच टाइम है, बट बाद में डिक्रीज हो जाएगा, वॉच टाइम घट जाएगा। तो मैं आपको इसी तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपका वॉच टाइम डिक्रीज कभी भी नहीं होगा, मतलब घटेगा ही नहीं। आपका जितना वॉच टाइम मिलेगा उतना रहेगा और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका वॉच टाइम। तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, सर्च बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है VPN, सर्च कर देना है VPN। उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी VPN ले सकते हैं, मतलब मैं आपको मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा, कुछ भी आप ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ टर्बो VPN, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ VPN जो है इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका वॉच टाइम डिक्रीज नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखना वीडियो को, आधे में कट करके नहीं जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एग्री कंटिन्यू, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में ये देख सकते हैं रिसर्च ला, मतलब सर्चिंग ले रहा है। उसके बाद में यहाँ से क्या होगा फ्रेंड कि आपका जो है वॉच टाइम डिक्रीज नहीं होगा। अगर इसको नहीं करेंगे तो आपका वॉच टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना फ्रेंड, यहाँ पे आपको कट कर देना। उसके बाद में यहाँ पे स्किप कर देना है इसको, ये ऐड है इसको स्किप कर देना है। उसके बाद में सिंपली टैप टू कनेक्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसने एक रैंकिंग ले रहा है, तो आपको ध्यान से देखना वीडियो को, मैं आपको 100% बता रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड। तो यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, इसको भी स्किप कर देना है। देन स्किप करने के बाद में एक ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं आल ऐप जो एप्लीकेशन है उसका दिखा रहा है, तो आपको करना क्या है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अपने कंट्री को चेंज करते रहना। मतलब एग्जांपल लो कि अगर आप एक ही जगह से वॉच टाइम बढ़वाओगे तो यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आपका वॉच टाइम एक ही जगह से बढ़ रहा है, तो स्पैम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मतलब ये चेंज कर देना है, मतलब VPN जो होता है ना इसे चेंज करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से वॉच टाइम बढ़वा रहे हैं। तो मतलब अलग अलग कंट्री से अगर बढ़वाएंगे वॉच टाइम, मतलब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बस, खाली आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल लो मैं कोई से भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना फ्रेंड। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे रहते हैं ये सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर से मतलब ये रैंक मतलब सेलेक्ट हो रहा है, इसमें लॉगिन एक टाइप का मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपका एड्रेस है मतलब जो जहाँ से आप वॉच टाइम बढ़वा रहे हैं वहाँ का नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे रहते हैं ये मतलब हो चुका है, तो ये ऐड आ रहा है इसको स्किप करके मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे कट कर दिया फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले ये जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, ये कोई फेक ऐप नहीं, कोई रॉन्ग ऐप नहीं। अगर ये रॉन्ग ऐप होता तो मैं खुद इंस्टॉल करके यूज़ ना करता। तो यहाँ पे आपको करना क्या है सिंपली यूट्यूब पे चले आना अपने, बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है। तो यहाँ पे अपने यूट्यूब पे आने के बाद में यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आप अपने चैनल पे चला जाना। जैसे मैं एग्जांपल ले लो, मैं अपने चैनल पर चला जाता हूँ अख्तर के सपोर्ट, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है उसी पर मैं चले जाता हूँ। उसके बाद में वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कोई से भी एक वीडियो मैं ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ से कोई से एक वीडियो ले लेता हूँ फ्रेंड, जैसे एक वीडियो मैं ले लेता हूँ कोई से भी, फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ यहाँ से, कोई बड़ी वीडियो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है फ्रेंड कि आपकी बड़ी वीडियो होनी चाहिए, लॉन्ग वीडियो। मतलब आपका जैसा एग्जांपल ले लो कि 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट का वीडियो रहता है सब, तो एक वीडियो आपको क्या करना है थोड़ा बड़ा बना देना। वॉच टाइम तो कंप्लीट नहीं हो रहा है आपका ना, तो वॉच टाइम बढ़वाना है तो आपको एक वीडियो क्या करना है बहुत बड़ा बना देना। मतलब थोड़ा इस तरीके से जैसा आप अगर बनाना चाहते हो तो 20 मिनट 30 मिनट या फिर 1 घंटे का भी बना सकते हैं। उसके बाद में बड़ी वीडियो को लेना, छोटी वीडियो को लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ये बात ध्यान मतलब इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कोई भी मैं एक बड़ी वीडियो निकाल लेता हूँ, ये देख सकते हैं 8 मिनट की 7 मिनट की, सिंपली इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है,
इसका लिंक कॉपी कर लेना, अपने वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना। तो सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको लिंक कॉपी कर लेना, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। ये लिंक कॉपी हो गया फ्रेंड। अब आपको क्या कर देना, बैक आ जाना है फ्रेंड। बैक आने के बाद में आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंड। यहाँ पे आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। उसके बाद में यहाँ पे सर्च करना है व्यूज, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है व्यूज साइंस। यहाँ पे व्यूज SYNC, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है व्यूज साइंस। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक सबसे फर्स्ट पे एक वो आ रहा है ऑप्शन, वेबसाइट आ रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है व्यूज साइंस। यहाँ पे आपको ध्यान देना है व्यूज साइंस पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल रियल है। उससे पहले एक चीज और जान लो फ्रेंड कि आपको अपने जो है जीमेल को, अपने चैनल को कुछ टाइम के लिए लॉग आउट कर देना, जब तक आप वॉच टाइम बढ़वाना चाहते हो। यह एक और इजी तरीका है अगर आप अपने चैनल को लॉग आउट नहीं करना चाहते। जैसे आपको लगता है कि मतलब फिर से मैं लॉग इन कैसे करूंगा, तो आपको क्या करना है, दूसरे के फोन में लेके करना, मतलब अपने चैनल को दूसरे के फोन में लेके करना है। इससे आपका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपके चैनल जिसपे मतलब मोबाइल, जिस मोबाइल में आपका चैनल लॉग इन है उस पर अगर कर रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए अपने चैनल को लॉग आउट करके बाद में लॉग इन कर लेना। अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है कि मतलब लॉग इन नहीं कर पाऊंगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप दूसरे के फोन में कर सकते हो, या फिर कर सकते हो लॉग इन तो हर कोई कर सकता है। जैसे अगर आपका फोन चोरी हो गया तो फिर लॉग इन तो करना ही पड़ेगा ना, पासवर्ड जीमेल वो सब डाल के। तो आप कुछ टाइम के लिए अपने जो है चैनल को लॉग आउट कर देना जीमेल को, उसके बाद में वापस लॉग इन कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उस लिंक को पेस्ट करना जो आपने अभी कॉपी की हो, मतलब मैंने जो अभी कॉपी किया है उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये एक हो गया फ्रेंड। उसको सिंपली जितना मतलब चाहो जितना टैब ले सकते हो आप। चाहे अगर आपके पास वाईफाई है तो आप 50-100 ले सकते हैं, बट अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका डाटा जाहिर सी बात है स्लो होगा, इतना ज़्यादा स्पीड तो होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे 2-3 या 4-5 ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 लेना, क्योंकि मोबाइल अगर आपके पास है और आपका नेट स्पीड नहीं है तो 5 बस है, ज़्यादा नहीं लेना। सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे भी पेस्ट कर देना। देख सकते हैं मेरा नेट जो है बहुत स्लो है। उसके बाद में सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये हो गया आपका तीसरा, मतलब 2 हो गया या 3 हो गया। 3 होने के बाद में यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। यहाँ पे जितना आपकी मर्जी कर सकते हैं। अगर आपके पास वाईफाई है, मैं बता रहा हूँ, तो आप एक दिन में क्या आप 2-3 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हो वॉच टाइम। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान जरूर देना है कि आपको VPN में चेंज करते रहना है और अपने चैनल को लॉग आउट कर देना है, या फिर दूसरे के फ़ोन में इसको करना। दूसरे के फ़ोन में करेंगे बिल्कुल ईजी है, किसी का भी फ़ोन लेके आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं कितना हो गया, मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे सब सर्चिंग ले रहा है जबकि यहाँ पे नेट इतना स्लो है मेरा। तो यहाँ पे नीचे आना है फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है स्टेप टू टेस्ट आईडियो। यहाँ पे आपका आईडियो चेक किया जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका आईडियो चेक देख सकते हैं। मैं इसका वॉइस जो है बंद कर दिया, देख सकते हैं इसका आईडियो टेस्ट हो रहा है। उसके बाद में एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे 3, मतलब स्टेप 3 व्यू साइंस। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये आपका जो है एक लिंक बनके तैयार हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है और नीचे आना फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, मतलब इस लिंक को कॉपी करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में फिर से क्रोम में ओपन कर लेना, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में फ्रेंड जो आपने लिंक कॉपी किया है उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना, ऊपर में सबसे ऊपर में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट करने के बाद में सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं ये मतलब नेट स्लो है, इसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम दिखा रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड जो भी मतलब मैंने वीडियो जो वो किया था, मतलब लिंक डाला था जो आप लोग को दिखाया था कि इस तरीके से आपको लिंक डाल देना। देख सकते हैं पूरी वीडियो आ चुकी है। अब इस पर क्लिक करेंगे ये आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो गया। इस पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं मतलब इतना सारा, आप चाहें तो 100-200 कर सकते हैं अगर आपका नेट स्पीड है तो। आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर नेट आपका स्पीड है तो आप यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। इस तरीके से अपने वॉच टाइम को बिल्कुल सही तरीके से बढ़वा सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपको अपने चैनल को लॉग आउट कर देना है कुछ टाइम के लिए, या फिर दूसरे के फोन में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको VPN यूज़ जरूर करना है, मतलब चेंज करते रहना है, 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में VPN चेंज करेंगे तो एड्रेस पूरा मतलब लोकेशन चेंज कर देता है,
VPN। दोस्तों इस तरीके से अपने वॉच टाइम को बढ़वा सकते हैं। बहुत काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस ट्रिक को यूज करके अपने वॉच टाइम को बढ़वा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड।